अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा अमल जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेमिका को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं। अगर आपकी प्रेमिका आपसे रूठ गई है, या फिर आपका प्रेमी आपसे बहुत दूर चला गया है, या फिर आपके घर में ही आपके शौहर आपकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर आपकी बीवी आपके बातों में नहीं है, आपसे हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो आप इस अमल को जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, मैं आपको पूरा का पूरा ये करके बताती हूँ। आपको ध्यान से देखना होगा हमारे इस वीडियो को। एक कागज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए 786 और दोस्तों आपको दुरूदे पाक पढ़नी होगी। उसके बाद दुरूदे पाक पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा या वालियू। जी हाँ, बहुत ही आसान है ये, या वालियू ये आपको पढ़ना है 11 बार। 11 मरतबा आप इसे पढ़ लें और उसके बाद दुरूदे पाक, जैसे कि मैंने आपको बताया दुरूदे पाक 3 बार पढ़नी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बोलने के बाद आपको 3 बार ये बोलना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उसके बाद दुरूदे पाक पढ़ने के बाद आपको या वारियू 11 बार पढ़ना है, और अंत में भी आपको दुरूदे पाक पढ़ देनी है, और दुरूदे पाक इस बार भी आपको 3 बार पढ़नी है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि ये आपको करना है जब आप इसे करेंगे, यानी कि किसी भी रात को आप इसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 10 बजे के बाद ही इसको शुरू करना है। 10 बजे के बाद ही आप इसे शुरू करेंगे और सुबह के 5 से पहले पहले आपको इसे कर लेना है। मतलब कि अगर आप लेट हो जाते हैं किसी दिन, अगर आप 10 बजे नहीं कर पाते हैं, 12 बजे करते हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि 5 बजे से पहले पहले आपको ये कर देना है। दोस्तों आपको ये पूरे 6 दिनों तक करना होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि 6 दिन से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। आपकी जो भी प्रेमिका है, या आपके प्रेमी है, या आपके शौहर है, या आपकी बीवी है, जो भी है जिनके ऊपर आप इसे करना चाहते हैं, वो आपकी बात मानने लग जाएंगे, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। जो भी आपकी पुरानी मोहब्बत है आपके पास वापस दौड़ी चली आएगी। बस आपको या वारियू पढ़ते समय एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये कि आपकी जो प्रेमिका है उनका आपको नाम अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है। प्रेमिका का नाम आपको अपने जहन में जरूर रखना है, यानी कि जब आप इसको शुरू करें तब भी आप एक बार अपनी प्रेमिका का नाम ले लें, और जब आप इसे खत्म कर रहे होंगे तब भी एक बार अपनी प्रेमिका का नाम जरूर ले लें। इस तरह से आप इसे करें और सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रेमिका आपकी बाहों में फिर से आ जाएंगी। तो दोस्तों आज का वजीफा बस इतना ही था, आप इसे अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी शक है आपके दिमाग में, आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, मौलाना जी आपके सवालों का जवाब देंगे और आपके मसले को हल करने में मदद करेंगे। तो शब्बा खैर दोस्तों।